न्यूयॉर्क और दिल्ली के बीच पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब करने का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच तेजी से चल रही है, जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इस घटना के सामने आते ही मामले ने तुल पकड़ ली, जिसके बाद पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा पर कंपनी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे शुक्रवार को अमेरिका स्थित वित्तीय सेवा कंपनी वेल्स फागो ने बर्खास्त कर दिया। इससे पहले 28 दिसंबर को एयर इंडिया की ओर से दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और मामले के आरोपी शंकर मिश्रा को बीती रात बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये मेरा ऐसा एक फूलों का माला है जो केवल ग्वालियर चंबल संभाग का नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश और आसपास के प्रदेशों की जनता को इस क्षेत्र की संस्कृति, इस क्षेत्र की सभ्यता, इस क्षेत्र की कला, इस क्षेत्र की व्यापार की क्षमता